वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड में आटम 2022 की अटेम्प्ट से आई कैप का एक पास्ट एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है पीएसटी लिमिटेड और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि पीएसटी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो 2 ईयर्स का टोटल पीरियड हुआ और 2021 और 2022 यही 2 साल हैं। इसमें हमें नेट प्रॉफिट, रिवेल्यूशन सरप्लस और टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम गिवन है। और फिर कहा हुआ है कि डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। तो रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन की डिटेल्स पढ़ेंगे। कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन पीटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एंड 2022। शो कंपैरेटिव फिगर्स। 2021 की पहले अलग से क्या होगी वो भी बतानी पड़ेगी और फिर 2022 में विद कंपैरेटिव फिगर बतानी पड़ेगी। यानी हमें 3 कैलकुलेशंस पर फोकस करना है, 2021 की ओरिजिनली रिपोर्टेड और फिर 2022 की ओरिजिनल रिपोर्टेड विद 2021 एज कंपैरेटिव। अच्छा, अब दोबारा जब जाते हैं हम डिटेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इशूड बाई पीटीएल पर सिंस इनकॉर्पोरेशन, तो पहला जो हमें बताया हुआ शेयर इशू वो इनकॉर्पोरेशन की डेट पर ही है, 1 जुलाई 2020 को 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू हुए हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 ईच वर इशूड एट रुपीज 14 ईच। ये फर्स्ट टाइम का शेयर इशू है तो इसके अंदर तो इससे पहले कोई शेयर प्राइस ऑब्वियसली एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो इसे फुल मार्केट प्राइस का शेयर इशू ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है ऑन 1 जुलाई 2020 सेम डेट पर ही 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ रुपीज 50 ईच वर इशूड एट रुपीज 64 ईच। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, कन्वर्टेबल हैं। ऑन 1 फरवरी 2021 फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच वर इशूड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ 16 ईच। इसमें कोई राइट इशू की फ्रैक्शन वगैरह नहीं बनेगी क्योंकि ये फुल मार्केट प्राइस पर इशू है। नेक्स्ट है कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 40% राइट शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। शेयर की जो वैल्यू है वो पार वैल्यू 10 है और प्रीमियम ऑफ 10 पर इशू हुए, मतलब 20 के इशू हुए। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वॉज रुपीज 30 पर शेयर। इसको हम कहते हैं एक्चुअल कम राइट प्राइस। तो ये राइट इशू आ गया, इसमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक पहला आइटम ऐसा है। लास्ट वन है ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, हैविंग पार वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच वर इशूड। द बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, पेबल ऑन 31st अक्टूबर ईच ईयर। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इंटू 7 ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसमें टैक्स का रेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेंगे, नेट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब ये 5 हमारे पास आइटम हैं और इस हिसाब से हमें ईपीएस कैलकुलेट करनी है। डिफरेंट वेज में हम अपनी कैलकुलेशंस को लेके चल सकते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस में लेकर चल सकते हैं। तो जो हमने इस क्वेश्चन को प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक हम सबसे पहले जो एक राइट इशू हुआ है उसकी कैलकुलेशन को फोकस करेंगे और वो इशू हुआ है 1 अक्टूबर 2021। 40% राइट शेयर इशू हुए, यानी अगर पहले 100 शेयर्स थे तो 40 मजीद शेयर इशू हुए होंगे। प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर है, पार वैल्यू 10 की है, प्रीमियम 10 का है, यानी 20 पर इशू है। और शेयर की प्राइस पहले जो थी वो रुपीज 30 थी। तो सबसे पहले हम राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। उसे हम के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि वी हैव एन आइडिया के 40% शेयर इशू हुए मजीद, तो अगर 100 शेयर पहले 30 के थे तो 40 शेयर्स मजीद ऐड होंगे जो कि अब 20 के हिसाब से ऐड होंगे। डिवाइड करेंगे 100 शेयर्स प्लस 40 शेयर्स, यानी जो शेयर्स 100 पहले थे और 40 जो मजीद इशू होंगे ऑन एवरेज। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इससे आ जाएगी, टिपिकल फार्मूला जो हम बार बार यूज करते हैं 27.14। और फिर हमारे पास राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन है। राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन क्या होती है? राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन होती है कि एक्चुअल कम राइट प्राइस जो कि है 30 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है 27.14। तो ये फ्रैक्शन हम नोट कर लेंगे, ये पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हम राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। दूसरे नंबर पर हम इंक्रीमेंटल ईपीएस को फोकस कर लेते हैं,
क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए वो रेलिवेंट रहेगी। अब एक तो हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1 जुलाई 2020 को इशू हुए, यानी 2021 के ईयर में भी ये पूरे 12 महीने इन इशू थे, आउटस्टैंडिंग थे, और 2022 में भी। इनकी जो नंबर है वो 10 मिलियन है, इन पर 12% का रेट है जो इंटरेस्ट कंसीडर हो रहा होगा क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। पार वैल्यू इनकी 50 ईच है। कन्वर्जन 5 साल बाद होगी 3 ऑर्डनरी शेयर में, यानी एक प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। तो हम इंक्रीमेंटल ईपीएस और उसकी रैंकिंग डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पहले हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि ईयर 2021 और 2022 दोनों में आउटस्टैंडिंग थे उनकी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे। अब इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है तो दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 10 मिलियन शेयर हैं, 50 का एक है, और उस पर 12% हम जो इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे होंगे वो आइंदा नहीं देना पड़ेगा, ये हमारी अर्निंग्स में सेविंग हो जाएगी। तो 10 मिलियन शेयर ₹50 के हिसाब से 12% ये बनता है 60 मिलियन। फिर अगर ये कन्वर्ट हो जाएं तो एक प्रेफरेंस शेयर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 मिलियन शेयर हैं तो 10 मिलियन × 3 30 मिलियन। और इस हिसाब से अगर हम इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो 60 / 30 दैट वुड बी 2। नेक्स्ट हमारे पास एक और कन्वर्टेबल्स भी हैं पॉइंट नंबर 5 में, ये शो है 1 नवंबर 2021 को। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं वो 1 नवंबर 2021 से 8 मंथ का टाइम बनता है, और ये 2022 में जो जून में ईयर एंड हो रहा होगा उसके अंदर कंसीडर होंगे। इनमें इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होगी? यहां पर बताया हुआ है कि ये 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, इन पर इंटरेस्ट 10% है और ₹1 का है। तो 3 मिलियन × ₹100 × 10% और 8 मंथ का टाइम हुआ है तो 8 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे हम, दैट वुड बी 20 मिलियन। सिमिलरली जब इसके हमने शेयर्स लेने हैं तो उनको भी 8 मंथ के हिसाब से आउटस्टैंडिंग कंसीडर करेंगे, तो एक जो बॉन्ड है वो 7 ऑर्डनरी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास 3 मिलियन है, 3 मिलियन × 7 × 8/12। इंटरेस्ट अभी जो है वो हमने 8 मंथ का लिया है, तो जो आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड है शेयर्स का उनकी वेटेड एवरेज भी 8 मंथ के हिसाब से बनती है 14 मिलियन। 20 / 14 मिलियन दैट वुड बी इंक्रीमेंटल ईपीएस ऑफ 1.43। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें तो जो लोअर ईपीएस है वो 1.43 की है और फिर 2 की आती है, तो रैंक 1 जो है वो 1.43 को देंगे हम और रैंक 2 देंगे हम ₹2 पर शेयर को। तो जो लोएस्ट है उसका रैंक पहला होगा और फिर सो ऑन। तो यहां पर 2 ही हैं तो रैंकिंग 1 एंड 2 ये हम डिफाइन करेंगे। तो ये हमारी वर्किंग 2 बन गई, और अब हम चलेंगे वर्किंग 3 की तरफ जो कि है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इस क्वेश्चन में अर्निंग्स के अंदर कोई इशू नहीं है, अर्निंग्स तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, तो अगर अब हम नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉपरली कैलकुलेट कर लें तो हमारी ईपीएस कैलकुलेट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट 2 वर्किंग्स करने के बाद अब हम चलते हैं और वर्किंग 1 को अपने सामने रखेंगे क्योंकि इसमें से जो बोनस फ्रैक्शन है वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वर्किंग 3 बनाएंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पर टिपिकल स्टाइल में, जिसमें हम डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेटली ऑब्वियसली वी वांट टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो पोजीशन जो है पहले हम देखते हैं कि जी हम 2021 तक जो इशू हुए 30 जून 2021 तक, उसमें हमें फर्स्ट 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना है, और ये हम बेसिक ईपीएस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें हम कन्वर्टेबल्स को इग्नोर कर देंगे। तो पहले 50 मिलियन शेयर थे 1 जुलाई को, और उसके बाद फर्दर 20 मिलियन शेयर रहे हैं 1 फरवरी को। तो जुलाई से लेकर जनवरी तक 50 मिलियन शेयर थे, 7 मंथ का टाइम बनता है, वेटेड एवरेज 29.17 बनती है, और उसके साथ ही जो हमारे पास 1 फरवरी को इशू हुए हैं वो मजीद 20 मिलियन शेयर इशू हुए हैं, जिससे हमारे पास टोटल शेयर जो हैं फरवरी से जून तक वो 70 मिलियन आउटस्टैंडिंग थे, जिनका टाइम फैक्टर 5 मंथ का बनता है। और इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो ये भी सेम ही जवाब आता है 29.17, और टोटल हमारा बनेगा 58.34। तो ये जब हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे 2021 की एज ओरिजिनली रिपोर्टेड, यानी 2022 को कंसीडर किए बगैर, राइट इशू ये जो बाद में हुआ है इसको कंसीडर किए बगैर, तो उसके अंदर हमने जो है इस
58.34 मिलियन शेयर्स को कंसीडर करना होगा। अब हम चलते हैं कि अगर हम 2021 की जब कंपैरेटिव के तौर पर यूज कर रहे होंगे फिगर, तो तब क्या इफेक्ट आएगा। तो तब इफेक्ट ये आएगा कि ये जो हमारे पास राइट शेयर्स हैं इसकी बोनस फ्रैक्शन भी हमें लेनी होगी। तो हम यही वैल्यू ले लेते हैं 58.34 मिलियन की, और इसको अगर हम बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपैरेटिव के तौर पे जो नंबर ऑफ शेयर्स लेने चाहिए 64.49 वो आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसकी अल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार ये होगा कि आप यहां पे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपके पास टोटल 64.49 ही आ जाएगा। लेकिन ये क्विक कैलकुलेशन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी एक ही बार फ्रैक्शन अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस मेथड को हमने यूज किया। अब हम बात करेंगे कि 2022 में क्या हुआ। तो इसमें जो कन्वर्टेबल, क्योंकि हम तो बेसिक ईपीएस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, कन्वर्टेबल को इग्नोर कर देते हैं, फोर्थ पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिसमें 40% राइट शेयर इशू हैं। तो पहले हमारे शेयर जो हैं वो 70 मिलियन के आ रहे हैं और ये 1 अक्टूबर को इशू हैं, तो जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर तीन महीने जो हमारे पास पोजिशन है वो तो 70 मिलियन की ही थी। और राइट इशू से पहले वाले के साथ हमें बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास बनता है 19.34। फिर 1 अक्टूबर को 40% राइट इशू हुआ है तो 70 मिलियन का हम 40% ले लेंगे 28 मिलियन शेयर्स, ये टोटल बन गए 98 मिलियन शेयर जो कि 1 अक्टूबर से 30 जून तक आउटस्टैंडिंग रहे और मजीद कोई इशू नहीं हुआ, तो ये 9 मंथ्स का टाइम बनता है। इसके साथ हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो इशू जिसके अंदर फ्रैक्शन होती है उस इशू से पहले वाली डेट के साथ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होनी होती है, बाद में तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंसीडर हो रहे होते हैं। तो ये 73.50 बनता है और इसका टोटल बनता है 92.84। तो ये 2022 करंट ईयर एंड के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब जब हम अपनी वर्किंग्स बना चुके हैं तो सारा फोकस अब हमारा जो होगा वो होगा आंसर को फाइनल शेप देने पे। तो ये स्पॉटेड हमारी जो वर्किंग है वो हमारी बन चुकी हैं और जो डिटेल्स हैं उनको भी हम कंसीडर कर चुके हैं। अब मेन फोकस हम इस एरिया पे करेंगे। यहाँ पे भी आपने ध्यान में रखना है कि हमारे टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम पे कैलकुलेशन नहीं होनी, ओसीआई पे नहीं होनी, प्रॉफिट की बेस पर कैलकुलेशन होनी है। तो हम नेट प्रॉफिट की फिगर को यूज कर रहे होंगे। साथ ही हम वर्किंग टू डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए और वर्किंग थ्री जहां पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए इनको अपने सामने रखेंगे जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आंसर हम एक सिंपल, क्योंकि जस्ट कंप्यूट करना है तो हम अर्निंग नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस और उसके इम्पैक्ट को या रिमार्क्स के तौर पर बात करने के लिए मैंशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 2021 में ओरिजिनली जो ईपीएस रिपोर्ट की गई होगी इसकी। तो आप देखें कि हमारे पास जो अर्निंग है वो है 210 बेसिक ईपीएस के लिए। नंबर ऑफ शेयर हमने कैलकुलेट किए थे 58.34, तो इस बेसिस पर 210 डिवाइड बाय 58.34 हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी 3.60 पर शेयर। अब अगर हम इस टाइम की डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस टाइम पर कन्वर्टेबल बॉन्ड तो इशू नहीं हुए थे, सिर्फ हमारे पास प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे। तो प्रेफरेंस शेयर में जो है इंक्रीमेंटल ईपीएस के नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो हम उसके अर्निंग में इजाफा होगा 60 मिलियन का, 30 मिलियन का इजाफा होगा नंबर ऑफ शेयर में, तो इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास जो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए शेयर अर्निंग बनती है वो 270 बनती है, नंबर ऑफ शेयर 88.34 बनते हैं, तो इससे हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 3.06। और ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये डाइल्यूटिव है। वैसे भी अगर आप नोटिस करें तो ये 2 आ रहा है और 1.43, तो ये तो काफ़ी कम आ रही है 3 से, तो ये डाइल्यूटिव ही है। तो ईपीएस कम हो रही है, दिस इज बाय नेचर डाइल्यूटिव। तो हमारी जो पहली कैलकुलेशन थी कि ओरिजिनली 2021 में हमने ईपीएस कैसे रिपोर्ट की होगी वो कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं और दूसरे स्टेप में 2021 की रेशियो जब हमने कंपैरेटिव के तौर पर यूज़ की होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सेम हम बेसिक ईपीएस के लिए अर्निंग 210 की यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ शेयर अब हम कंपैरेटिव के तौर पे जिसमें अब फ्रैक्शन को हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं इसको लेंगे 64.49, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर 3.26 पर शेयर आ जाती है।
इस टाइम तक हमारे सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इन इशू थे, तो उनकी हम अर्निंग 60 मिलियन को ऐड कर देंगे, शेयर 30 मिलियन को ऐड कर देंगे, टोटल हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस के लिए 270 की अर्निंग्स और 94.49 के शेयर आ जाते हैं, जिससे ईपीएस 2.86 आ रही है जो कि स्टिल डायल्यूटिव है। और 2021 अब कंपेरेटिव के तौर पर भी हो गया, तो अब करंट ईयर की तरफ चलते हैं और 2022 की बात करते हैं। 2022 में बेसिक ईपीएस के लिए अगर हम अर्निंग की बात करें तो हमारे पास प्रॉफिट 250 है, नंबर ऑफ शेयर्स 92.84 हैं, जिससे हमारे पास ईपीएस आती है 2.69। अब इसमें हमने डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए जो है कन्वर्टेबल्स को शामिल करना है, और 2022 में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी इशू हो चुके थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो ऑलरेडी इन इशू थे, तो इसमें हमें रैंकिंग वाइज चलना पड़ेगा। रैंकिंग के हिसाब से पहली रैंकिंग बॉन्ड्स की है, तो इनकी अर्निंग 20 मिलियन, इंक्रीमेंटल शेयर्स 14 मिलियन, इनको ऐड करके हम कैलकुलेशन करेंगे 270 डिवाइड बाय 106.84, तो 2.53 आ रहा है, ये बेसिक ईपीएस से कम है यानी डायल्यूटिव है। अब रैंकिंग टू की तरफ चलेंगे, और इसमें जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उससे इंक्रीमेंटल अर्निंग है 60 मिलियन, इंक्रीमेंटल शेयर्स हैं 30 मिलियन, और टोटल करेंगे तो डायल्यूटेड ईपीएस के लिए 130 136.84, और डायल्यूटिव ईपीएस 2.41 आएगी। ये मजीद कम हो रही है तो ये भी डायल्यूटिव है, अगर ये इंक्रीज यहां पर हो रही होती तो फिर इसको इग्नोर कर देते, लेकिन हम फाइनली 2.41 को ही डायल्यूटिव ईपीएस कंसीडर करेंगे 2022 के लिए। तो इस क्वेश्चन से हमने जो चीज सीखी वो ये है कि अगर हम एक क्वेश्चन के अंदर अपनी फ्रैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई कर लें, और फिर हम अगर जो इंक्रीमेंटल ईपीएस वगैरह जहां पे हैं वो कैलकुलेट करके उनकी रैंकिंग कर लें, फिर हमें नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने चाहिए, और फिर हम इजीली ईपीएस जो है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मजीद टेक्निकलिटी इस एरिया में आ सकती है कि किसी जगह पर आपको जो है वो नेट प्रॉफिट के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह की जो कैलकुलेशन हो उनको दिया जाए। अब यहाँ पर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड की इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं की नेट प्रॉफिट में, क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड नहीं, वो इंटरेस्ट ट्रीट होता है, वो प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर ऑलरेडी जो है वो कवर हो चुका होता है, तो उसको हमें लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई होते तो फिर ऑब्वियसली उसकी एडजस्टमेंट हमें नेट प्रॉफिट के अंदर भी करनी पड़ रही होती। तो इन फैक्टर्स को सामने रखेंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।